गृह राज्य मंत्री के प्रयागराज आगमन और एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने को चुनाव आयोग ले संज्ञान सपा। प्रयागराज, देश में आम चुनाव की घोषणा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के प्रयागराज में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। सपा के जिला मीडिया प्रभारी दान बहादुर मधुर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि देश में आम चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रयागराज जिले के पड़िला में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री श्री राय शामिल होने पहुंचे। सपा का कहना है कि सरकारी खर्चे पर गृह राज्य मंत्री के इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने को चुनाव आयोग संज्ञान ले और संबंधित को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगे। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराया जाना अति आवश्यक है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव आम देश के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आम चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आज प्रयागराज जिले में पड़िला एक स्थान है जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था। उसमें देश के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी उपस्थित रहे, उसमें शामिल हुए और सरकारी खर्चे पर शामिल हुए, जिस पर मुझे आपत्ति है, समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। और समाजवादी पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग सबसे मांग करती है कि इस मामले को संज्ञान में ले और इसकी जांच कराए, नोटिस जारी करें संबंधित को। आगामी दिनों में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर रोक लगाई जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल हो पाएगा। दान बहादुर सिंह मधुर, जिला प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, प्रयागराज।